हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर रवि अगरी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के डिस्कशन का टॉपिक है जो अभी कल ही हुए नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बीच में, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो भारत में इनॉग्रेट हुआ, जो कल भारत के लिए एक सपना था लेकिन आज ये सपना भारत के लिए एक हकीकत है। आइए उस बुलेट ट्रेन पे डिस्कशन करते हैं। आप अच्छा खासा एक अच्छे मूड में, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज पीएम शिंजो आबे की स्माइल हंसी देख सकते हैं, जो भारत के लिए सच में एक मील का पत्थर साबित होगा। बुलेट ट्रेन के इस पार्ट में हम लोग जो एक मील का पत्थर है भारत के लिए, उसमें कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो निकल कर आते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। अगर देखो तो ये क्वेश्चन पेपर्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए? जनरली हाई स्पीड ट्रेन क्या होते हैं, जनरली बुलेट ट्रेन इनसे कैसे थोड़े अलग हैं, हाई स्पीड ट्रेन में किस बेसिस पे हम बुलेट ट्रेन इन्हें कहते हैं, किस बेसिस पे मागलेव ट्रेन जो बनकर तैयार होते हैं अपने आप में एक अनोखे अंदाज में आते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक लेविएशन के नाम से कहते हैं, जहां पर पूरी तरह से चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को यूज करके हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और आगे आने वाले सालों में अगर आप ये सोचते हैं अगर हम फ्लाइट से 650 850 किलोमीटर की दूरी पर आर डिस्टेंस तय कर सकते हैं, तो हाइपर लूप से आप 1200 किलोमीटर पर आर तक की भी डिस्टेंस आज जो सपना हो सकता है, जो आप सिर्फ सपने के रूप में सोच सकते हैं, आज वो एक हकीकत है जो कि आगे चलकर भविष्य में इस दुनिया में आपके सामने आएगी, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको, आपके कॉमर्स को, आपकी इकोनॉमी को, ओवरऑल आपके पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा खासा इफेक्ट डालेगी। फिलहाल मैं डॉक्टर रवि अग्रहरि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन आईआईटी दिल्ली। आई ऑलरेडी हैव अ ऑथर ऑफ मैग्रा हिल पब्लिकेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस यूपीएससी टीचिंग ऑलरेडी स्पेंड माई 15 ईयर्स एंड माई ऑफलाइन क्लासेज ऑलरेडी शेड्यूल इन एनरोल्ड आईएएस और राजेंद्र नगर। इन पर जाने के पहले मैं आपको पहले भी बता दूं, इस बुलेट ट्रेन पर डिस्कशन करने के पहले स्टडी आईक्यू ने अपने पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जो हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हैं, एसएससी, बैंकिंग, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स। फिलहाल आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारे वीडियोज ए टू जेड बेसिक्स टू एडवांस लेवल के सारे डिस्कशन यहाँ पर किए गए हैं। यूपीएससी के पेन ड्राइव कोर्सेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आप खुद जानते हैं जो प्रियो मेंस में कवर होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सारे कोर्सेज इन पेन ड्राइव कोर्सेज में दिए गए हैं। फिलहाल इन कोर्स को प्रिपेयर करने वालों में डॉक्टर रवि अग्रहरि, जो कि मैं, डॉक्टर गौरव गर्ग, महिपाल राठौर, भूमिका सैनी, राइट नाउ ही इज ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर, दिग्नेश कार्तिक एंड अभिषेक जैन, दिस इज आवर टीम गाइस। फिलहाल अगर हम आज की सिनेरियो में देखें तो हम कौन कौन से ऐसे ट्रेन्स हैं जो अपने अगल बगल हम देखते हैं, जिनकी स्पीड्स बहुत अच्छी है और जो जिसमें काफी लोगों ने सफर किए हुए हैं, तो भारत में अच्छी खासी स्पीड्स में आपको गतिमान सुनने में मिलेगा, दुरंतो सुनने में मिलेगा, तेजस सुनने में मिलेगा, शताब्दी सुनने में मिलेगा। अगर आप इन ट्रेनों की बात करें तो आप इनकी स्पीड कितनी सोचते हैं? 120 किलोमीटर पर आर, ओके, 140 किलोमीटर पर आर, 160 किलोमीटर पर आर। बच्चों अगर हम इसके बारे में बात करें, 120 किलोमीटर दोस्तों, 140 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, तो ये तो पूरी की पूरी जर्नी में कभी कभी ये स्पीड मेंटेन होती है। अगर आप एवरेज देखो तो हमारा एवरेज तो 100 किलोमीटर पर आर से भी कम निकल कर आता है। फिलहाल इन पर हम अच्छी खासी डिस्कशन करने वाले, इन चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन इतना मैंने एक छोटा सा बेसिक बता दिया। हम जिन ट्रेनों की बात करते हैं 140 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाते हैं, अगर आप हकीकत देखें तो इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी कम होती है। फिलहाल हम उन बारे में आगे चर्चा करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो ड्रीम था जो आज हकीकत में बनने जा रहा है, हमारा जो पहला बुलेट ट्रेन या फास्टेस्ट ट्रेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है भविष्य में, जो एक एक लक्ष्य है जो भारत पूरा करने वाला है, ये दूरी अभी अगर हम बात करें तो 8 घंटे में तय होती है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से ये दूरी घट कर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगी।
फिलहाल इसमें हम जो स्पीड मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, ये स्पीड 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जो टाइम टू टाइम यहाँ पे वैल्यू बदलती रहती है, कभी 302, कभी 320, कभी 340 और कभी 350 किलोमीटर पर आर। तो ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस को लेकर सोचने की बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह दूं कि स्पीड 300 किलोमीटर से ज्यादा है। फिलहाल इस पूरी जर्नी में जितने भी डिस्टेंस हम कवर करने वाले, इसमें 21 किलोमीटर का लेंथ अपने आप में बहुत अनोखा होगा, जहां आप ओशंस में होंगे और उस ओशंस के अंदर टनल में होंगे, जो टनल थाने से लेकर विरार तक के बीच होगी। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा सा अनुभव होगा, जो यात्री कभी भविष्य में इनमें बैठेंगे वो इसका आनंद ले सकेंगे और अपने आप को बहुत ही अलग तरह की अनुभूति प्राप्त करेंगे। फिलहाल बुलेट ट्रेन पे अगर हम काम की बात करें, तो जैसा कि इनॉग्रेशन अभी हाल ही में हुआ, कल की बात मैं कर रहा हूं, वहीं पर ये प्रोजेक्ट अगर शुरुआत होगी तो 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल 2018 से इसका इनॉग्रेशन और सारे काम शुरू होंगे। बुलेट ट्रेन में अगर हम बात करें, तो बुलेट ट्रेन कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बुलेट ट्रेन जापान में जो सबसे पहली बार जो फास्टेस्ट ट्रेन चलाई गई, उसके लिए अनऑफिशियली ये नाम डाला गया और बोला गया बुलेट ट्रेन। उसके बाद ही बुलेट ट्रेन और बुलेट ट्रेन नाम की नाम जो है वो दुनिया में जाना जाने लगा। तो बुलेट ट्रेन अगर हम बोलें, तो ये किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है जो हाई स्पीड रेल या हाई स्पीड ट्रेन के लिए दुनिया में यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब एक अनऑफिशियल नेम, जिसे सबसे पहले जापान ने अपनी ट्रेन में अपनी ट्रेन के लिए यूज किया था। फिलहाल अगर हम हाई स्पीड ट्रेन बोलें, तो हम किन ट्रेनों को हाई स्पीड कह सकते हैं? हाई स्पीड ट्रेन जनरली हम उन ट्रेनों को मानते हैं जिसकी स्पीड एटलीस्ट 200 किलोमीटर पर आर तो हो। इनके लिए हम अच्छे खासे ट्रैक्स बनाते हैं, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। फिलहाल इस बुलेट ट्रेन्स और बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझने के पहले हमें एक चीज और जानना चाहिए, जो हमारी ट्रेन्स होते हैं उनमें जिस तरह की टेक्नोलॉजीज प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें एक होता है टिल्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है नाइन टिल्ट टेक्नोलॉजी। अब बात ये होती है कि टिल्ट टेक्नोलॉजी और नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। टिल्ट और नॉन टिल्ट पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत के ट्रैक्स को देखें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं भारत का जो ट्रैक है वो सीधा नहीं है, पूरी तरह से सीधा नहीं है, और जो कर्व भी है वो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे कर्व है और अच्छे खासे कर्व है। और जब अच्छा खासा कर्व है, यानी इस तरह का कर्व है, तो आप मुझे बताओ इस जगह मुड़ते समय ट्रेन की स्पीड क्या प्रॉपर 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर रह पाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इन जगहों पर अगर आप अच्छी खासी स्पीड की ट्रेन चलाएंगे, तो ट्रेन को ड्रिल होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो नीचे गिर सकती है। यानी ये किसी भी इंसान या किसी भी पैसेंजर के लिए खतरा होगा। तो उस कंडीशंस को दूर करने के लिए अगर बुलेट ट्रेन हमें बनाना है, अच्छी स्पीड बनानी है, तो हमें कुछ इस तरह की तकनीकी का यूज करना होगा, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। उस प्रॉब्लम को पहले हम शॉर्ट आउट करते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं टिल्ट तकनीकी और नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी। सो देखते हैं टिल्ट और नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी इस तरह के कर्व की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता है। आप अगर भारत रेल के अगर ट्रेन को देखें, तो किस तरह के कर्व आप देख सकते हो? आप खुद देखो यहाँ पे कितना अच्छा कर्व हो रहा है। अब आप क्या सोचते हो, अगर एक ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 है या 180 है, तो आप मुझे बताओ क्या इस कर्व पे कभी ट्रेन की स्पीड 160 180 हो सकती है? तो कभी नहीं, क्योंकि ट्रेन अपनी पटरी से नीचे जा सकता है, ट्रैक से नीचे जा सकता है, यानी खतरा है। आप खुद देखो इस पिक्चर, आप देख सकते हो जब ट्रेन कर्व होती है, तो ट्रेन एक ट्रेन की जो व्हील होती है वो एक हाइट पर उठ रही होती है, यानी अच्छा खासा जो पैसेंजर यहाँ बैठा होता है उसमें अच्छे खासे मूवमेंट्स होते हैं, यानी उस पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है, या कह लो अगर वो टी या कॉफी पी रहा होता है तो उसे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ये स्पीड और ज्यादा बढ़ा दें और ये हाइट और ज्यादा बढ़ा दे, तो आप खुद जानते हैं कि इस ट्रेन के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और ट्रेन अगर गिरती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान होगा, हमारी लाइफ के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। फाइन, तो इन चीजों को हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं चीजों को हम दूर करते हैं डिस्कशंस को, पहले टिल्ट और नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी पर लेते हुए। टिल्ट और नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी होते क्या है? टिल्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर जो ट्रेन होता है वो टिल्ट होकर चलता है। यानी टिल्ट होकर चलता है, मतलब यहाँ बॉडी टिल्ट नहीं होती। कहने का मतलब ये देखो आप, एक ट्रेन है, इस ट्रेन में यहाँ पर कुछ सॉकर्स लगे हैं,
यहाँ पे कुछ शॉकर्स लगे हैं, यानी आपका मूवमेंट जिस फॉर्म में है आपका मूवमेंट इसी फॉर्म में रहता है, यानी यहां पर आपका ट्रेन जो होता है पूरा कर्व नहीं होता है, यहां पर आपके ट्रेन का जो नीचे वाला सपोर्ट है वो थोड़ा उठ जाता है, यानी स्प्रिंग के माध्यम से, स्प्रिंग की मदद से। यानी कहने का मतलब अगर आपके हाथ में कॉफी है या टी है तो उसके गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, इस तरह की जो डिब्बे जो हम बनाते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही महंगा है, जहां पर इस तरह के स्प्रिंग और चीजें लगी होती हैं। ये चीजें बाकी डब्बों में, बाकी ट्रेन में ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इसीलिए जब हम कर्व होते हैं तो हमें स्पीड कम करना पड़ता है। लेकिन टिल्ट टेक्नोलॉजी में, जहां पर आपने, आपको मैंने स्प्रिंग की मदद से दिखाया है, यहां पर ट्रेन अगर झुकती भी है तो स्प्रिंग की मदद से झुकती, यहां पर वो जोर का झुकाव या उस तरह की चीजें नहीं होती हैं, और किसी जो व्यक्ति का, जो अंदर व्यक्ति बैठा होता है उसका पॉस्चर ज्यादा चेंज नहीं होता है। सो टिल्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी कैपेबिलिटी जहां पर टिल्ट देयर बॉडी टुवर्ड्स द कर्व। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व की तरफ टिल्टिंग होती है, लेकिन उतना मैसिव लेवल पर नहीं होता है। इसीलिए दिस टिल्ट अलाउ द ट्रेन टू पास द कर्व एट अ हाई स्पीड, यानी यहां पर हम अच्छी खासी स्पीड में ट्रेन को चला सकते हैं कर्व पे भी, यानी बार बार हमें उस पे ब्रेक नहीं लगाना होगा। दोस्तों इसकी मदद से हम 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आसानी से पा सकते हैं, और काफी हद तक अगर हम देखें तो, अगर हम कोशिश करें तो 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर तक भी हमें सफलता आसानी से मिल जाएगी। पर जैसा मैंने बोला, इस तरह की चीजें, इस तरह की स्प्रिंग, इस तरह की चीजें लगाना, शॉकर लगाना अपने आप में ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। नॉन टिल्ट में क्या होता है, नॉन टिल्ट में हम किसी भी तरह के कोई शॉकर से, किसी तरह की चीजें नहीं लगाते हैं जो आपने वहां देखी थी टिल्ट टेक्नोलॉजी में। यहां पर हम कोशिश करते हैं जो कर्व होता है, जो कर्व होता है, जो कर्व होता है मतलब, जैसे मान लो अगर आप ट्रेन से चल रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, ट्रेन का जो पाथ होता है वो सीधा होगा तो ट्रेन की स्पीड मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रेन कर्व है, इस तरह कर्व है, इस तरह कर्व है, तो एवरीबडी नो यहां पर कर्व ज्यादा बड़ा होने से यहाँ स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। अगर मैं इस कर्व को बहुत बड़ा कर दूं, अगर मैं इस कर्व को बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं जैसा मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तब आप मुझे बताओ यहां पर क्या ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ेगी? ऑफकोर्स नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहां पर ट्रेन अच्छी खासी स्पीड से घूमता हुआ चला आएगा, क्योंकि यहां पर कर्व जो है काफी बड़े किलोमीटर पर जाकर हुआ है, जबकि यहां पर किलोमीटर का रेंज काफी कम है, यानी यहां पर स्पीड कम करनी पड़ेगी, सॉरी यहां स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर अधिक स्पीड से भी पटरियों से होकर ट्रेन जो होगा वो गुजर जाएगा। इस के टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमने टिल्टिंग का प्रयोग नहीं किया है, सॉकर का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम इसे नॉन टिल्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर देखो तो स्पेशली स्ट्रेट ट्रैक्स पे ज्यादा अच्छी है, या ऐसा ट्रैक्स जहां पे लार्ज कर्व हो, यानी बहुत ज्यादा किलोमीटर पर जाकर कर्व आता हो। यहां पर स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करना काफी आसान है, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि कर्व काफी बड़ा है, तो यहाँ अधिक स्पीड हम ट्रैक को मेंटेन करना आसान होता है। एक चीज और लोग कहते हैं, साइंटिस्ट या बहुत सारे लोग, या बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो इन चीजों पे काम करते हो, कहते हैं क्यों ना हम ऐसी ट्रेन में इस तरह के पहिए यूज करें जब इंडिपेंडेंट व्हील होते हैं, जो ये वाला हिस्सा अपना इंडिपेंडेंट होता है, ये वाला हिस्सा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कर्व आने पर भी ये आसानी से उठ जाता है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो बॉडी जो बैठी होती है वो पहले भी उसी फॉर्म में होती, अब भी उसी फॉर्म में होती, यानी कहने का मतलब यहाँ बीच से व्हील में कुछ सेपरेशन होता है, ये और ये व्हील एक तरह से इंडिपेंडेंट, और ये ट्रैक्स पर होते हैं, ये दोनों ट्रैक्स पे होते हैं। अगर ये वाला व्हील अगर ऊपर उठ भी रहा है तो इस वाले पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, कि बीच में ये व्हील्स दोनों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है, ये दोनों पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं है, जैसा कि आपने बाकी ट्रेनों में देखा था टिल्ट और नॉन टिल्ट के केसेस में। तो ये भी एक केसेस है जो हो सकता है, एक ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन इस तरह के ऑप्शंस को हम यूज में नहीं ला रहे हैं। फिलहाल आगे आते हैं, अगर हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए किस किस तरह के ऐसे फीचर्स हैं जो हाई ट्रेन में होनी चाहिए। फिलहाल इन हाई ट्रेन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन चीजों पर अगर हम जाएं तो इनमें क्या क्या चीजें मिलती है। देखो जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, ऑफकोर्स आपने फिशेस देखा होगा, आप देखो ये वाला पोर्शन देखो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, एग्जैक्टली फिशेस का जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होता है। इनमें हम जनरली एल्यूमिनियम एलॉयज को यूज करें,
क्योंकि एल्युमिनियम एलॉयज को यूज अभी तक जनरली हम किस तरह की, जैसे उसका कॉपर यूज करते हैं, इस तरह के मेटल यूज करते हैं। अगर हम एल्युमिनियम यूज करते हैं तो यहाँ पे इसका जो वेट होता है वो काफी कम हो जाता है। दूसरा, हम स्टैंडर्ड गेज को यूज करें, गास को यूज करें, जो हाई स्पीड रेल के लिए सबसे अच्छा है, जहां पर जो विथ है, मोटाई है, वो 1435 मिलीमीटर की होती है, और इसका कर्व रेडियस होता है जो काफी बड़े कर्व पर होता है वो 4.5 किलोमीटर तक का होना चाहिए। यानी कर्व अगर बहुत बड़ा होगा तो स्पीड अच्छा खासा मेंटेन होकर चल पाएगा। कर्व छोटे होने पर, जैसा मैंने अभी पहले बोला था, स्पीड को कम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम इलेक्ट्रिकली पावर रखेंगे तो ज्यादा अच्छी स्पीड में काम करेगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा मेंटेन हो सकेगा। और चौथी चीज, अगर हम इसमें रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज करते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे हाइपर लूप वगैरह जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां पर हम कह रहे हैं पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी होगी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, वहां किसी भी तरह का हम पॉल्यूशन या उस तरह के सोर्सेस को यूज नहीं लेने वाले हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह के एनर्जी सोर्सेस को यूज करने वाले हैं। फिलहाल हाई स्पीड ट्रेन लाइंस को यूज करने के लिए जनरली बात होती है कि अगर हम जो ट्रैक बना रहे हैं वो ट्रैक भी अपने आप में अनोखा होना चाहिए, जो अच्छी खासी स्पीड को, अच्छे खासे वेट को बियर कर सके। अब बात ये होती है, अच्छी खासी स्पीड, अच्छे खासे वेट को बियर करने के लिए क्या चाहिए? तो रेल में ये बताया गया कि अगर हम या तो नॉन बैलेस्टेड ट्रैक बनाए और या तो हम स्लैब ट्रैक बनाए। अब बात होती है स्लैब ट्रैक क्या होते हैं। स्लैब ट्रैक वो होते हैं जो मल्टी लेयर्ड होते हैं और ये एसफॉल्ट या कंक्रीट के बने होते हैं। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट होता बहुत कम होता है और ये अच्छे खासे वेट को लोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे खासे भार को ये लोड कर सकते हैं और इनकी जो लाइफ होती बहुत लंबी होती है। इन्हें बार बार, जैसे अभी मैंने क्या देखा कि गांव गांव में या काफी एरियाज में अभी तक लकड़ियों की बनाते हैं, तो लकड़ियों में तो इस अच्छा खासा वेट नहीं बियर कर सकते, लकड़ियां जो होती जल्दी सड़ती हैं, लकड़ियों को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वही बात करो, जो स्लैब ट्रैक होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अगर आप स्लैब ट्रैक पे जाओ तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने स्लैब ट्रैक के आपको दिखाए हैं। स्लैब ट्रैक पे क्या होता है, देखो ये पूरे के पूरे कंक्रीट एसफॉल्ट के बने हुए हैं, यहां पर इनमें इनमें जॉइंट्स लगे होते हैं। इन जॉइंट्स पे यहां पर देखो, इन जॉइंट्स पे यहां देखो, ये देखो ये जॉइंट्स है, ये देखो ये जॉइंट्स है, ये देखो ये जॉइंट्स है, और इनके थ्रू ये पटरियां होती हैं जो इनमें बंधी होती हैं। इनकी जो होती है लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इनमें रिजिडनेस एंड थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर ट्रेन स्टेबल होकर चलती है। लकड़ियां जो थी वो प्रेशराइज भी होती हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और दूसरी चीज और बता दूं, अगर इसमें कोई खराबी भी होती है ना, तो ये मत सोचना कि इसे निकालना बहुत डिफिकल्ट है, उस वाले पोर्शन या कहीं पर छोटा सा भी ब्रेकअप होता है तो वो आसानी से निकाला भी जा सकता है। उसको इस तरह से छोटे छोटे सॉकेट्स में, छोटे छोटे सॉकेट्स में बनाते हैं, ताकि अगर प्रॉब्लम भी होती है तो छोटे से सॉकेट्स को ही सिर्फ रिपेयर किया जाए, ना कि पूरे के पूरे स्लैब को। फिलहाल ये एक पिक्चर था जो थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैंने बोला, आज इस तरह के स्लैब्स, इस तरह की चीजें हैं जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए यूज की जा रही हैं। फाइन, इंडिया में एक तरह से देखें तो अहमदाबाद मुंबई के बीच जो पहला बुलेट ट्रेन है, इसका जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, जिसको हम यूज करने की बात कर रहे हैं, इसको पूरा रख रखाव, इसका मैनेजमेंट, टाइम पे चीजें पूरी हो रही है नहीं, इसके देखभाल के लिए हम लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं, जिससे हम काम को काफी हद तक स्पीड अप कर सकें और इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी बनाने में सफलता हासिल करें। अब बात होती है कि लिडार होता क्या है। लिडार लेजर में एक प्रयुक्त एक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं। जो लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग जो ये टेक्नोलॉजी है, लिडार है, जो इमेजेस लेगा और इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में, जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनने जा रहा है, वो जो कि 9 से 10 वीक्स में बनने की बात हो रही है, जो 6 to 8 month नॉर्मली जो कवर करता है, उसमें वो ईच एंड एवरी डे हिसाब से हमें सारे के सारे इमेजेस और सारे के सारे डेटा देगा। यानी हाईटेक या जो हायर लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, इसे कंस्ट्रक्शन के रेट को, इसके डेवलपमेंट के रेट को एज एट इंस्टेंट टाइम मेजर कर सकेंगे। लिडार में कुछ चीजें और हैं, इसका लिडार का एडवांटेजेस क्या है, ये आराम से पेनिट्रेट कर जाता है किसी वेजिटेशन एरिया में, किसी एक्यूरेसी को देने के लिए, इसके अलावा किसी भी तरह के लैंड कंट्रोल लैंडिंग वगैरह में ये अच्छी तरह से इमेजेस देता है। इसलिए हम इस तरह की चीजों को यूज करने से ट्रैक वगैरह की विजिबिलिटी, डेवलपमेंट, स्प्रेडिंग, सारी चीजों को हम अच्छी तरह इसमें देख सकें। फाइन, अब अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन के साथ साथ एक और ट्रेन है जो कि बुलेट ट्रेन में भी एक अच्छी स्पीड में ट्रेन कर सकता है। मैंने आपको एक शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्या बोला था, भारत में आज जो ट्रेन है वो 140 किलोमीटर पर आर, 160 किलोमीटर पर आर आप मान लो हाईएस्ट स्पीड ट्रेन उसको कहो, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आर हो उसके बाद बोलो। यानी अगर हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की बात करें तो 200 किलोमीटर के नीचे कहना झूठ होगा। आप बुलेट ट्रेन की बात करें तो 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड के ऊपर बात करें।
बुलेट ट्रेन में बहुत सी तरह के बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। बुलेट ट्रेन में और एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम बोले उसको हम बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन यानी मैग्नेटिक लेविएशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो ट्रेन होगा वो पहिए पर नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेन मैग्नेटिज्म के इफेक्ट में होगा। अगर यहाँ देखो आप बुलेट ट्रेन और मैग्लेव व्हीकल्स में और ट्रेन में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ व्हील हो भी सकता है, व्हील नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मार्गले व्हीकल से बिल्कुल भी व्हील जो होता है वो नहीं होता है। मार्गले व्हीकल में कोई भी साउंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर व्हील और इस तरह की चीजें होने पर क्या होती है, यहाँ पर नॉइस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पावर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर अच्छे खासे इलेक्ट्रिसिटी और पावर की जरूरत पड़ती है। ओके सो यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी कन्वेंशनल ट्रेन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा है, यहाँ सब उससे भी ज्यादा, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। इसको बनाने में इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बुलेट ट्रेन का जो है वो मैगलेव से कम है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही कंट्रीज में आई है और ये जो बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी काफी कंट्रीज में इसका यूज हो रहा है। तो मैग्नेटिक लेविएशन जैसे मैंने बोला ये अच्छी तरह से मैग्नेटिज्म पर काम करता है। बुलेट ट्रेन में टायर हो भी सकता है, मींस व्हील हो भी सकता है, व्हील नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी में जहां चुंबकत्व का गुण देखने जाते हैं वहां पर इस तरह का इफेक्ट नहीं होता है। आगे चीज एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम वीरिंग और टेयरिंग की बात करें तो बुलेट ट्रेन में घर्षण होता है अगर इनमें व्हील है तो, और व्हील है तो कहने का मतलब होता है इसमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो इसकी लाइफ कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर लेमैन टर्म में बोले, देशी भाषा में बोले, तो मार्गले व्हीकल अपने आप में बुलेट ट्रेन का भी बाप होगा। यानी बुलेट ट्रेन में जो चीजें हम सोच नहीं सकते, 600 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर, 400-500, वो मैग्नेटिक लेविएशन से बहुत ही आसान यानी संभव हो सकेगा। भारत में हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि भारत में है ना पूरी तरह से बुलेट ट्रेन के लिए अच्छा खासा प्रोसेस कर रहा है। इसको इसका जो डायरेक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम करता रहता है। तो भारत में बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इन्वॉल्व है। आइए हम बात करते हैं हाल में जापान इंडिया के बीच जो बुलेट ट्रेन हुआ, जहां पर आपने शिंजो आबे और मनमोहन सिंह की फोटोग्राफ, इस क्यूट सी पिक को मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। फिलहाल इंडिया के जो बुलेट ट्रेन का सपना है, इस इंडिया के बुलेट ट्रेन के सपने में जो आपने किलोमीटर डिस्टेंस की बात की उसमें 21 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा है, एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि अंडरग्राउंड जाने वाला है। उस अंडरग्राउंड में 7 किलोमीटर का एरिया ऐसा होगा जो कि सी से होके गुजरेगा। अपने आप में ये बहुत ही अनोखा है और इसलिए भी अनोखा है क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रेन अंडर वाटर ट्रेन है उनमें कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास अंडर वाटर ट्रेन है, उसमें एक तो यूएस है, एक तो रशिया है, एक जापान है और एक चाइना है, और इसके साथ ही भारत नेक्स्ट कंट्री होगा जो समुद्र के नीचे भी, ओशन के नीचे भी ट्रेन को दौड़ाएगा। इस पूरे के पूरे कंट्रीब्यूशन में जापान क्या हेल्प कर रहा है, जापान भारत को 1% फंडिंग एज अ लोन के फॉर्म में देने के लिए अब आगे आया है और भारत में अच्छा खासा इस बुलेट ट्रेन को लाने में अगर देखा जाए तो जापान ने अच्छी हेल्प की है और आगे भी करता रहेगा, जैसा कि जापान और शिंजो आबे के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम भारत में बात करें कि भारत में किस हिसाब से कितना कॉस्ट, रेस्ट ऑफ द कॉस्ट 81% के बाद, 81% के बाद जो कॉस्ट होगा उसको किस हिसाब से उसका ब्रेकअप बियर किया जाएगा, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा, 25% गुजरात गवर्नमेंट का होगा और बाकी 50% पूरा एक्सपेंडिचर सेंटर करेगा। यहां पर स्पीड की बात करें तो 350 किलोमीटर पर आवर इस तरह की स्पीड है जो न्यूज में आ रही है। फिलहाल इसकी अगर कैपेसिटी देखें, टोटल कैपेसिटी इसमें करीब 900 से लेकर 1200 पैसेंजर्स तक ले जाने की होगी। फिलहाल ये अपनी पूरी जर्नी में 12 स्टेशन से होकर गुजरेगा, ये इनमें से 4 स्टेशन ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र में कवर करेंगे और 8 स्टेशन ऐसे हैं जो कि गुजरात से होकर गुजरेंगे। मार्गलेव ट्रेन के बारे में बात करें, जो कि मार्गलेव ट्रेन अपने आप में बुलेट ट्रेन का भी बाप होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बोला फादर ऑफ बुलेट ट्रेन्स। इसमें ऐसा क्या कंसेप्ट है जहां पर हम इस स्पीड को 600, 500, 600 तक इजीली मेंटेन कर सकते हैं?
पहली चीज बैकलाइट ट्रेन के बारे में सबसे खासियत बात जो है यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ही कम है, दैट इज ओके कि यहाँ हाई इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, शुरुआत में इसको लगाना महंगा है लेकिन इसका मेंटेनेंस कम है। यहाँ मैग्नेटिक लेविएशन होते हैं, यानी मैग्नेट और मैग्नेट पर ट्रेन को उठाया जाता है। आप सब जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है, मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप सबको पता है एक दूसरे को दूर भेजने वाला है क्योंकि सेम पोल है, नॉर्थ एंड नॉर्थ। अच्छा अब मुझे आप बताओ, अगर यहीं पर ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए तो एवरीबॉडी नो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली हम इस तरह के पोल्स को, इस तरह की कंडीशन को जनरेट करके एक मैग्नेट के ऊपर जो यहाँ नॉर्थ है दूसरे मैग्नेट को रखते हैं जो यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस कंडीशंस में इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब एक ऐसी हाइट पे रखो जहां पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, घर्षण खत्म हो जाएगा और इस जगह पर आसानी से फ्रिक्शनलेस कंडीशन में, अच्छे खासे कंडीशन में आप ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब आप व्हील पर दौड़ाते हो बच्चों, व्हील पे दौड़ाते हो तो व्हील इस सरफेस से अटैच होकर चलता है, तो यहां जो है फ्रिक्शन लग रहा होता है तो व्हील को रोकने की कोशिश की जाती है, व्हील को रोकने की कोशिश की जाती है, तो जब व्हील को रोकने की कोशिश करते हैं ट्रेन की स्पीड ज्यादा कैसे हो सकती है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस कंडीशन को जनरेट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के इफेक्ट में, जो इस पिक्चर की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिलहाल अगर हम मागले व्हीकल बात करें, एक नया वर्जन है जो कि बुलेट ट्रेन का है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो हाई स्पीड को मेंटेन करेगा, इसमें हम लैविएटेड कर रहे हैं, लैविएट का मतलब होता है कि हम फ्लोट कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे के किस पर हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल पर हैं, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन की कंडीशन नहीं है तो अल्टीमेटली ये नॉर्थ वाला इस नॉर्थ वाले के ऊपर फ्लोट ही तो कर रहा है, यानी फ्रिक्शनलेस कंडीशन है, फ्लोटिंग हो रही है, तो लैविएटेड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि फ्लोटेड करना होता है, उस पर तैरना होता है, निकलना होता है, और इसको जो प्रोपेल और गाइडेड करेगा, उसको जो प्रोपेल का मतलब इसका जो फ्यूल होगा जो, और जो इसको गाइड करेगा ले जाने के लिए, इन सब में पूरी तरह से मैग्नेटिज्म का यूज किया जाएगा। फाइन, यहाँ पे फ्रिक्शंस नहीं है, एनर्जी कंजम्पशन फालतू का नहीं है, नॉइस प्रोडक्शन नहीं है, इस तरह की बेनिफिट्स हैं जो कि मैग्नेटिक लेविएशंस में, हाई एनर्जी एफिशिएंट है, हाई स्पीड ट्रेन है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। मागले में अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें व्हील्स वगैरह नहीं है, इनमें वेयरिंग टेयरिंग नहीं होती, घर्षण नहीं होता, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो घिसते नहीं है। फिलहाल अगर हम मागले व्हीकल पर जाते हैं, अगर हम ट्रेन्स पर जाते हैं, अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें, और बुलेट ट्रेन में भी अगर हम मागले व्हीकल की बात करें तो बुलेट ट्रेन देखें तो दो तरह के बनते हैं, एक जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रो डायनेमिक सस्पेंशन पर बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रो डायनेमिक सस्पेंशन क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आपको मैं एक बात बताता हूं, मान लो ये एक व्हील है, ओके, ये एक ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है। अगर इस ट्रैक पे मैं इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दे दूं तो इस पर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है। किसका इफेक्ट आ जाता है, कोई मेटल है तो इस पर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली आप ये देखो, ये एक मेटल है, इस मेटल पर जब आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है। फाइन, तो हम करते क्या है, मान लो ये ट्रैक है, ओके, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है, तो जो ट्रेन इसके ऊपर लगी होती है वो ट्रेन, क्योंकि अगर जैसे इसी तरह हो जाता है, मान लो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है और इसमें अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है, ये कब जनरेट होता है, जब हम इस ट्रैक को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे नॉर्थ की तरह का जो मैंने अभी बोला अगर जनरेट हो गया और ऊपर भी एन है, तो ये ट्रैक को क्या होता है, ऊपर उठा देता है और उठाकर उस जगह पे कर देता है जहां इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाता है और ट्रेन लैविएट होके फ्लोट होके आगे बढ़ रही होती है। अब आगे बढ़ने के लिए भी इनमें क्या होता है, बगल से मैग्नेटिज्म का इफेक्ट होता है, जो मैं आपको भी इस पिक्चर में दिखा रहा हूं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की मदद से, मैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से प्रोपल्शन का काम करते हैं। प्रोपल्शन का मतलब होता है एक तरह का फ्यूल, एक तरह का ईंधन, जिसकी मदद से हम ट्रेन को आगे बढ़ाने में मदद लेते हैं। तो इन्हीं चीजों के बेस होकर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं, जो बुलेट ट्रेन में, मैग्नेट ड्राइव की ट्रेन बनाने में संभव होता है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा तरीका जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन कहते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जाने पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन जो पिक्चर यहां नीचे बना हुआ है वो कैसे काम करता है समझाने की कोशिश करता हूं। असल में जो ट्रैक होता है, मान लो ये ट्रैक है, ओके, ये ट्रैक है, तो ट्रैक में भी इस साइड जो होता है, इस साइड जो होते हैं वो मैग्नेट ही लगे होते हैं। आप देखो इस साइड मैग्नेट ही लगे होते हैं, और ये ट्रेन होता है, ये ट्रेन का व्हील होता है, तो ट्रेन जो व्हील के ऊपर जो चल रहा होता है, आप ये देखो ना, ये बगल राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, मैग्नेट दिख रहा है, ये आपका ट्रेन है,
कौन सा ट्रेन है आपका, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन वाला ट्रेन है। यहां पर देखो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। साउथ और नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। साउथ और साउथ क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ रिपेल करता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है तो साउथ साउथ को रिपेल करता है तो ये आगे बढ़ता है, नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है तो नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है तो नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है फिर ये आगे बढ़ता है। क्योंकि ये वाला नॉर्थ अगर इस नॉर्थ ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो ये नॉर्थ इधर की तरफ आएगा, ये नॉर्थ इधर की तरफ आएगा, और ये साउथ और ये साउथ को एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और ये साउथ इधर रिपेल करेगा, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को, मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है इस तरह से कुछ मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो है जो मैं बता रहा हूं। और यहां पर फ्रिक्शनलेस कंडीशन हो गई, ठीक है, नीचे ट्रैक पर फ्रिक्शनलेस कंडीशन हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां पर स्पीड को मेंटेन करना कितना आसान हो गया, क्योंकि अब ट्रेन में जो है जो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो ये मैग्नेटिज्म मेंटेन कर रहा है। और क्यों मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हमने ट्रैक पर नीचे क्या दिया बच्चों, हमने ट्रैक पर नीचे दिया इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने अभी आपको बोला था जब हम ट्रैक पर नीचे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो यहां पर क्या जनरेट हो जाता है, क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आपको दिखाया गया है। दूसरा केस अगर हम देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जो होता है, ये ट्रेन जापान में है और ये ट्रेन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है, जहां पर 600 किलोमीटर की मैं बात कर रहा था पर आर, वो 600 किलोमीटर पर आर यहीं पर पॉसिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन में ये स्पीड पॉसिबल नहीं है, लेकिन 400-500 किलोमीटर पर आर तक पहुंचना यहां पर आसान है, लेकिन 600 किलोमीटर को टच करना है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन आधारित मैग्नेटिक ट्रेन चाहे लेविएशन ट्रेन चाहिए। अब बात ये होती है कि असल में ये जो ट्रेन होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन आधारित जो होता है एग्जैक्टली ये भी लेविएशन पर ही काम करता है, फ्लोटिंग पर ही काम करता है। यहां सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है, इसे अति चालकता कहते हैं। अति चालकता हम कैसे बनाते हैं, इन केसेस में होता हमारा जो ट्रैक है वो क्या होता है, मेटल होता है। इस मेटल को अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके उसको ठंडा कर दें, है ना, तो उसमें सुपर कंडक्टिविटी का क्या होता है, गुण आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है, और सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है तो मैं रेजिस्टेंस जो होता है, जो अवरोध होता है वो कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है और वहां पर अवरोध ना हो तो चीज आसानी से आगे बढ़ती है। यानी सुपर कंडक्टिविटी होने पर उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है उन मेटल्स पर, और उन मेटल्स पर चीजों को रन करना यानी बुलेट ट्रेन को ले जाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अच्छा खासा हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह के बुलेट ट्रेन की स्पीड काफी फास्ट होती है, जहां 601 किलोमीटर पर आर भी एक नॉर्मल स्पीड है। बुलेट ट्रेन के ऊपर अगर हम आए तो हम हाइपर लूप की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली चीज है, और काफी लोगों को एटलीस्ट ये भी सोचना पड़ेगा कि वो फ्लाइट जिससे आप कहीं जा रहे होते हो, अगर उस फ्लाइट की जगह अगर आप हाइपर लूप को यूज करो, आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ। आप जो फ्लाइट पे आप जाते हो वो फ्लाइट जो होता है कहाँ होता है, स्काई में होता है, हाइट पर होता है। स्काई में जो होता है हाइट पर होता है उसकी स्पीड कितनी होती है आपको मैं बताऊँ, 600 किलोमीटर पर आर होता है, 500 किलोमीटर पर आर होता है। और इसलिए ऊपर चलाना आसान होता है क्योंकि ऊपर कोई भी अवरोध नहीं होता, ऊपर कोई रेड लाइट नहीं होती, ऊपर कोई बैरियर नहीं होता, इसलिए 600 किलोमीटर पर आर की स्पीड ऊपर चलाना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं, हमें इससे ज्यादा स्पीड चाहिए और अर्थ पे चलाना है, लैंड पे चलाना है। अब आप बोलोगे सर लैंड पे तो बड़ा जिग जैग टाइप का आपने क्या आपने ट्रैक दिखाया जहां पर टिल्ट नॉट टिल्ट टाइप की चीजें आपने बताई। फिर आप बोलोगे सर आपने जो 600 किलोमीटर पर आर की बात कर रहे हो, ये 600 किलोमीटर पर आर कैसे हो सकता है, उसके लिए एक टेस्ला मोटर के सीईओ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी है जो इराद की है ना, जो इन्होंने ही ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी जिसको हाइपर लूप ट्रेन के नाम से जाना गया। हाइपर लूप जो पॉड्स होते हैं वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक व्हीकल की ही तरह काम करते हैं। यहां पे एक तरह से देखो होता क्या है कि यहां पर हम कॉपर लाइक चीजों को नहीं यूज करते हैं जो बुलेट ट्रेन में यूज करते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन में जो कॉपर हम यूज करते हैं उस कॉपर का वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर जनरली क्या यूज किया जाता है, यहां पर जो भी ट्रैक्स होते हैं वो एल्युमिनियम कॉइल के यूज किया जाता है, एल्युमिनियम क्योंकि वेट में काफी हल्का होता है। इसके अलावा हम इसमें एनर्जी वगैरह देते हैं, ओके, जब हम इसमें ब्रेक लगाते हैं, इस हाइपर लूप ट्रेन में इस तरह के सिस्टम जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अच्छी खासी एनर्जी जनरेट होती है। इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि उस एनर्जी के बेसिस हम किसी मोटर की बैटरी को फिर से चार्ज भी कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो कि हाइपर लूप सिस्टम में हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होने वाले हैं। हाइपर लूप सिस्टम में अगर हम बात करें तो लॉस एंगल से फ्रांसिस्को तक सिर्फ 30 मिनट
में जो जर्नी तय की जाएगी, जो कि अच्छी खासी जर्नी है, जहां पे ट्रेन की स्पीड को 1200 किलोमीटर पर आर तक रखने की बात हो रही है, जिसमें US$6 बिलियन का खर्च आने की बात है, और 1200 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड जाने पर हम आसानी से साउंड की स्पीड तक भी पहुंच जाएंगे, जो कि 332 मीटर पर सेकेंड बताई जाती है। आइए बात करते हैं हाइपर लूप ट्रेन काम कैसे करता है। हाइपर लूप ट्रेन एक ट्यूब के अंदर होता है, पूरी तरह से एक ट्यूब के अंदर होता है। जो ट्यूब आप यहाँ देख रहे हैं पूरी तरह से क्लोज एक ट्यूब है। यहाँ पे वो सीट्स हैं जहाँ पे पैसेंजर बैठे होते हैं, ये वो मशीन्स हैं, वो इंजन्स हैं जहाँ पे चीजें सिस्टमेटिक तरीके से काम होती हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ट्यूब होता है ये पूरी तरह से क्लोज होता है। आप ऐसे समझो ये एक ट्यूब है जो पूरी तरह से क्लोज है। अगर ये ट्यूब पूरी तरह से क्लोज है, आप ये देखना, अगर ये ट्यूब पूरी तरह से क्लोज है और एक ट्रेन आगे बढ़ रहा है, जब ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो यहाँ जो भी एयर होगा वो इसको आगे बढ़ने से रुकेगा, क्योंकि एयर का एक प्रेशर यहां जनरेट हो जाएगा। इस ट्रेन में हम क्या करते हैं, यहां सामने के साइड में कंप्रेसर लगा होता है। ये कंप्रेसर क्या करता है, ये आगे से जो एयर होता है उसको हटाता रहता है, यानी सामने जो प्रेशर बढ़ने वाला होता है प्रेशर पूरी तरह से कम हो जाता है। यानी ये ट्रेन उस ट्यूब के अंदर दौड़ता है जहां पर आगे एयर खत्म होकर उसके प्रेशर को कम कर दिया जाता है और आसानी से स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ट्रेन की प्रेशर यानी ट्यूब की प्रेशर स्पीड मतलब अंदर प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। दूसरी चीज, इन्हें हम व्हील पर नहीं दौड़ाते हैं, क्योंकि व्हील पर अगर हम दौड़ाते हैं तो यहां पर फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है, और फ्रिक्शन अगर अच्छा खासा होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कहने का मतलब है यहां पर जो ट्रेन है वो पूरी तरह से हवा में चलती है, और पूरी तरह से वो सरफेस से ऊपर उठकर चलती है, और पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके चलती है, जो हमने अभी पीछे मैग्नेटिक लेविएशन में देखा था। फिलहाल इस ट्रेन को हम दौड़ाने के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करते हैं, जो हमने बुलेट ट्रेन के अंदर अच्छी तरह देखा था। फाइन, अब ये बात होती है कैसे एक अच्छी स्पीड को ये मेंटेन कर सकता है और 1200 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड को कैसे ये यूज करेगा। तो सबसे पहले तो बात ये होती है, जिस ट्यूब के अंदर हम इस ट्रेन को ले चल रहे हाइपरलूप ट्रेन को, सामने एयर डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी ओवरऑल एयर डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का सामने से आने वाला जो हवा का प्रेशर है वो इस पर एग्जर्ट नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर एयर रेजिस्टेंस होता है सामने से वो बहुत कम होता है। इन फ्रंट ऑफ ट्रेन उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ट्यूब के अंदर एयर कंप्रेशर फैन वगैरह, जब ट्रेन आगे चल रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे यहां देखो आप, ये जो पिक्चर है ये सामने एयर कंप्रेशर फैन है, यानी ट्रेन के जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ये है, तो सामने से हवा को वो खींच के अपने अंदर अंदर ले गया, और जब हवा अंदर आ गई तो अंदर हवा इकट्ठा होगा तो फिर प्रेशर पड़ेगा, तो उसको बगल साइड से हम क्या करते हैं, एयर बेयरिंग होती है उसको हम वहां से अंदर से फिर एयर जो होते हैं आउटसाइड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अगर अंदर हवा भर जाएगी तो फिर एक तरह का प्रेशर पड़ेगा अंदर, फिर बाहर निकलने में दिक्कत होगी, फिर ये आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि हवा यहां थैली अगर भर गई, अगर यहां पर हवा भर गई तो आप मुझे बताओ इसमें आगे क्या हम कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है यहां पर हम क्या करते हैं, अच्छा खासा बगल से जो एयर यहां से एंटर कर रहा है उस एयर को हम इधर से एयर बेरिंग की मदद से बाहर कर रहे हैं। इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम स्पीड को मेंटेन करते हैं, और मैग्नेटिक लेविएशन की तरह की चीजों को यूज करने की वजह से हम सरफेस के ऊपर होके चलते हैं, यानी हम फ्रिक्शन में नहीं होते हैं। अब बात होती है अगर हमें ट्रेन को रोकना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्रेन को रोकना है तो हम उसी कंप्रेशर फैन को स्पीड को कम कर दें। अगर इसी कंप्रेशर के फैन की स्पीड को कम कर देंगे तो सामने आने वाली जो हवा होगी उस ट्यूब के अंदर, वो हवा उसको फिर प्रेशर जनरेट करने लगेगी और धीरे धीरे इस ट्रेन की स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। फाइन, और इसके अलावा जो नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स लगे हैं जो हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिससे इसमें मैग्नेटिक टाइप का इफेक्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ये पटरियां जो होती हैं, ये इनमें व्हील तो होते नहीं है, वो जो अटैचमेंट होता है वो हाइट पर चला जाता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को हम कम कर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे जो ट्रैक जो ट्रेन होती है वो धीरे धीरे सर्फेस पर आकर रुक जाती है। यानी कहने का मतलब रोकने के लिए भी वही तरीका यूज करते हैं जो चलाने के लिए करते हैं, उसका ठीक एंटी करते हैं। हाइपर लूप सिस्टम में कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने आपको बोला एलन मस्क ने दिया था, जो कि एरोस्पेस फर्म स्पेस एक्स के मालिक भी हैं।
अभी जो हाल में बात हो रही है सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक ले जाने के लिए, जहां मैंने अभी आपको एक्सपेंडर की बात भी की थी, यहां पर जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर तक के रखने की बात है। यहां पर मैग्नेटिक एक्सीलरेटर जो मैंने आपको अच्छी तरह उस पिक्चर्स में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैग्नेटिज्म के प्लस प्लस और प्लस माइनस के इफेक्ट को आप समझ सकते हैं। फाइन, इस ट्यूब्स के अंदर लो प्रेशर इन्वायरमेंट रखा जाता है, सबको सबको मैंने इस चीजों को समझा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज बता दूं जो अपने आप में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर क्या ये पूरी तरह से सेफ है, अगर कोई अर्थक्वेक आता है या किसी तरह के क्रैशेस होते हैं, इन सारे के सारे कंडीशंस में ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आप भविष्य में इस ट्रेन का एंजॉयमेंट की करेंगे आप और इन चीजों के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब हाइपर लूप एक सपना भी हकीकत में होगा, यानी बुलेट ट्रेन में भी हम और आगे एडवांस चल के कल को हाइपर लूप पे भी बातें करेंगे। यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, अगर हम चेन्नई टू बैंगलोर की बात करें, एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल सा इंफॉर्मेशन है, और हम हाइपर ट्रेन को लेके चलें, जहां मैंने आपको 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बोला, यानी कहने का मतलब है कि 30 मिनट्स के अंदर ही हम चेन्नई टू बैंगलोर के डिस्टेंस को पूरा कर सकते हैं। और अगर बात करें एक स्टडी के थ्रू, एक अध्ययन के थ्रू इस चीज पे बताया गया, इस निष्कर्ष पे पहुंचे गए कि 38 महीने के अंदर भारत में इस तरह की चीजें विकसित की जा सकती हैं भारत की टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के आधार पर। इसके साथ ही मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। बाकी आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं, आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज को ले सकते हैं, बाकी मेरे ए टू जेड जितने भी वीडियोज हैं जहां हम बेसिक्स, अप्लाइड, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को हमने इस पेन ड्राइव कोर्सेज में दे रखा है। बाकी इसके साथ ही इन सारे करंट अफेयर्स, इन सारे टॉपिक्स को, सारे ए टू जेड साइंस टेक्नोलॉजी में जितने एप्लीकेशन है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैग्रा हिल की ये बुक ले सकते हैं, इसमें ए टू जेड ये सारे मैग्नेटिक लेवेशन के सारे नोट्स दिए हुए हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।